हेलो भैया जी, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ, होप आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। मैं आपका भ्रमणकारी शशि किरण और मैं पहुँच चुका हूँ। गेस कीजिए कौन सा प्लेस है? कानाताल। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर अच्छा नहीं लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे बहुत बढ़िया नज़ारे हैं, आपको आगे दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं और क्या औसम मौसम है यहाँ का। ओके, चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई है। और कमेंट करके जरूर बताइए कि नेक्स्ट ट्रिप हम कहाँ का करें। ओके, जी यहाँ पे हम गए हैं थोड़ा सा अटक। एक्चुअली यहाँ पे बर्फ जमी पड़ी है और हो चुका है पूरा ब्लैक आइस, और ब्लैक आइस होने के कारण सब कुछ उलटते पुलटते जा रहा है। और यार बहुत तगड़ी ठंडी लग रही है काफ़ी, वो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। और ये देखो बर्फ का ढेर, बर्फ का कचरा। हाँ ये देखो यहाँ के घर, ये रोड, यहाँ पे गाड़ी ये लोग पार्क करते हैं एंड यहाँ से नीचे जाते हैं, वहीं से नीचे। वो देखो वो जा रहा है ना, वहीं से नीचे जाते हैं। और रुक जा ताऊ। हाँ रुक गया। कच्चा है बादाम। जी सुबह सुबह हो गया, हम कल रात को यहाँ पे पहुँचे थे और सुबह सुबह उठे, काफ़ी लेट हो गया उठते उठते क्योंकि काफ़ी टाइम से ड्राइविंग करते करते पहुँचे थे और बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा था रास्ते में, ब्लैक आइस हुआ पड़ा था। तो हुआ क्या कि हमारा गाड़ी का चक्का बहुत स्किड कर रहा था, तो इस चक्कर में हम काफ़ी डिले हो गए, काफ़ी जाम भी लगा हुआ था, बट वो छोड़िए। अब यहाँ का व्यू देखिए, क्या मस्त व्यू है ना, अल्टीमेट इसको बोलते हैं व्यू। ओके, और ये तो कुछ भी रही है, आपको इससे भी और प्यारे प्यारे व्यूज़ दिखाएंगे, इससे भी प्यारे प्यारे आपको व्यूज़ दिखाएंगे। तो भैया जी कल तो हम आपको रूम दिखा नहीं पाए, चलो आज ही रूम टूर दे देते हैं, बड़ा अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। और यहाँ का खाना बहुत सही है यार, हमने बहुत ही मिनिमल बजट में बहुत ही ढंग का खाना खाया। आपको दिखाते हैं आगे कौन सा होटल है, हम कहाँ रुके हैं और कितने का, मतलब कि कल रात का खाना प्लस अभी का खाना, अगर टोटल ऑन एंड ऑन कॉस्ट निकाले तो 400 में हम कल का खाना, आज अभी का खाना प्लस चाय प्लस मैगी प्लस पराठा, और पराठा पैक भी कर लिया। ठीक है, आपको दिखाता हूँ मैं रूम। ये है रूम, थोड़ा सा अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है सब क्योंकि अभी हम निकलने की तैयारी में हैं। और ये खाने का है, इधर चेंजिंग रूम एंड वॉशरूम। और यहाँ पे बड़ी एडवेंचर चीज़ें होती है, जैसे कि आप ये जो जगह देख रहे हो, यहाँ पे लोग आते हैं जंगल सफारी करने, हम भी आए थोड़ा सा जंगल पैदल सफारी करने। ओके, आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है यार, व्यूज़ बहुत ही अल्टीमेट है, और यहाँ से हिमालय रेंज पूरा दिखता है, यहाँ से पूरा आप हिमालयन रेंज को देख सकते हो। वो देखो, आई होप शायद आपको दिख रहा हो उस साइड, पेड़ के कारण तो ऐसे नहीं दिख रहे, तो कौ अभी काँव काँव करके बोल रहे कि हाँ सच में दिखता है। और यार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ यार, यहाँ पे हूँ मैं तो और क्या क्या कर सकता हूँ। ओके, और ये देखो कितनी सारी बर्फ है, चाहो तो बर्फ ही बर्फ है, एकदम अल्टीमेट वाला बर्फ है। और ये देखो काफ़ी सारे लोग भी है यहाँ पे, फोटो क्लिक करवा रहे, और हम भी यहाँ पे मस्त। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ पे और क्या क्या हम कर सकते हैं। ओके, क्या बोलते हो आप, कैसा है मौसम यहाँ का, अल्टीमेट है ना? अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ है, जंगल सफारी है, आपका जिप लाइनिंग है, बंजी जंपिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए, और सबसे मस्त सुकून भरी ज़िंदगी है, एकदम मस्त आराम से तसल्ली से आप रह सकते हो, एकदम पॉल्यूशन फ्री, स्काई ब्लू
एंड बर्फ तो है ही, और ग्रीनरी का तो पूछो ही मत, ग्रीनरी ग्रीनरी है। तो भैया जी बस अब चलने का तैयारी, और चलिए मिलते हैं आगे आपसे। अभी प्लान है यहाँ से थोड़ा सा मसूरी की तरफ से होते हुए हम निकलेंगे, तो थोड़ी देर मसूरी में स्टे करेंगे, वहाँ से वहाँ पे नाश्ता वगैरह करेंगे, एंड देन फिर निकलेंगे हम देहरादून, एंड देहरादून से फिर हम बस लेंगे, एंड बस लेकर के फिर दिल्ली। ओके भैया जी, चलिए। आपको मैं दिखाता हूँ हम रात को कहाँ पे रुके थे। ये देखिए, ये है काइंड ऑफ होम स्टे टाइप का, हम यहीं पर रुके थे।